शुक्रिया दोस्तों, आज एक नया प्रॉब्लम का सलूशन है कि पेंटिंग में जो आरएस का ब्लेड है लेफ्ट और राइट का किसी भी तरह मूव नहीं कर रहा, तो स्विच दबा के एक बार दिखा देते हैं, स्विच से काम ही नहीं कर रहा, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। तो इधर वाला स्विच दबा के आपको एक बार दिखा देते हैं, इधर वाला स्विच काम कर रहा है कि नहीं। इधर वाला स्विच तो काम कर रहा है, मोटर काम कर रहा है, लेकिन वो घुमा नहीं पा रहा, उसका जो स्क्रू सेट है ना उस स्क्रू सेट घुमा नहीं पा रहा। इधर वाला देखिए काम कर रहा, इधर वाला काम कर रहा तो अच्छे से देखिए, लेकिन ये वाला फिर से काम नहीं कर रहा, पूरा पूरी तरह जाम हो गया, मतलब जो स्क्रू सेट है उस पूरी तरह जाम हो गया। प्रॉब्लम होता है कि ये जो ब्रूस है, ये ब्रूस जा तो ब्रूस का अंदर धूल मिट्टी जाके पूरा हार्ड बन जाता है, इसलिए घुमा नहीं पाता, स्क्रू सेट पूरी तरह जाम हो गया। तो ये ब्रूस को खोलेंगे हम, चारों ब्रूस को दोनों दो दो करके है, एक में दो ऊपर में दो नीचे में दो चारों। इस जगह में कोई पाइप रेंज कुछ औजार लेके घुमाइए मत, प्रेशर मत डालिए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है, ऐसा मत कीजिए। चारों बोल्ट को हम खोल लिए, इसी का अंदर धूल मिट्टी जम के पूरा पहाड़ हो जाता है। ऐसे स्क्रू ड्राइवर से मत खुलिए, क्योंकि ब्रूस टूट सकता है। ब्रूस को लगा दिए, चारों बोल्ट को टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं है, ज़्यादा टाइट कर दिए तो भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लूज रखोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। देख के अब टाइट करो, अब स्विच दबा के देखो, लेफ्ट की तरफ आ रहा, लेफ्ट की तरफ आ रहा और आराम से भी जा रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्मूथली जा रहा, बस उसका अंदर खाली धूल मिट्टी जम जम का पूरा हार्ड बन जाता है, स्क्रू सैप को घूमने नहीं देता है। मशीन का साफ सफाई में ध्यान रखना पड़ता है, और स्क्रू सैप में मोबिल और ग्रीज मिला के थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, तब जाके वो लुब्रिकेट रहता है। हो सकता है मेरा आवाज़ क्लियर भी ना आ रहा, तो क्योंकि जब काम चालू रहता है उसी टाइम रिपेयरिंग होता है, तो मशीन का दूसरा मशीन का आवाज़ का वजह से अब मेरा आवाज़ क्लियर नहीं है।